कई सारे कंपटीशन में वायवीय और अवायवीय श्वसन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के संबंध के बारे में सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उस क्रिया को हम वायवीय श्वसन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे अवायवीय श्वसन की क्रिया कहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमको ये पता होना चाहिए कि वायवीय श्वसन की क्रिया किन में होगी और अवायवीय श्वसन की क्रिया किन में होगी। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वे कोशिकाएँ जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और स्वतंत्र जीवी कोशिकाएँ होती हैं उन सब में वायवीय श्वसन की क्रिया होगी, और वे कोशिकाएँ जो कि प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं जिनमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, और वे कोशिकाएँ जो कि परजीवी यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं उनमें अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में एक बहुत ही सामान्य परिचय के आधार पर हमने इसको काफ़ी आसानी के तरीके से इसको समझ लिया है, बस केवल इसके उदाहरणों को याद रखना है। तो जीवाणु कोशिकाओं के अंदर और परजीवी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जबकि स्वतंत्र जीवी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे जुड़े संबंधित क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए।